खुलेंगी, और भी बहुत विधायक हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि जो टिकट बांटते वक्त 90 लाख रुपए लेंगे तो वो क्या उम्मीद करेंगे कि वो जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करेगा। यही केजरीवाल साहब, आपको ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कोई भ्रष्ट विधायक चुनकर आए, राइट टू रिकॉल हम बनाएंगे, देश में बनना चाहिए, विधायक को बीच में से हटा देना चाहिए, इस प्रकार की स्तुतियां क्या करते थे 2015 से पहले। अब इस बॉर्डर टाउन विधायक के बारे में क्या निर्णय लेंगे, ये केजरीवाल साहब आपकी करनी और कथनी उजागर होती है। मित्रों, एक केवल टिकट बांटकर भ्रष्टाचार, ये देश की पहली लोकतांत्रिक पद्धति को कहीं ना कहीं दूषित करने का प्रयास है। और ये केवल एक पकड़ा गया एसीबी के माध्यम से गिरफ्तार हुआ एक नहीं है, दिल्ली में 90% सभी टिकटें आम आदमी पार्टी ने 70 लाख से 1 करोड़ रुपए में बेची है। अगर आप ये किसी भी विधायक से चुनाव पार्षद से विधायक से पार्षद के इलेक्शन के बाद पूछेंगे तो आपके सामने सब चीज आ जाएगी। जनता को मैंडेट दे देना चाहिए, जनता दोबारा चाहे कि उस सरकार को हटा दे। ये केजरीवाल साहब 8 वर्ष में राइट टू रिकॉल के बारे में एक बार भी तो कहते आप कहीं ना कहीं कि मेरा ये विधायक भ्रष्ट है और इस विधायक के लिए मैं राइट टू रिकॉल की ऑप्शन जनता को पब्लिक को देता हूं। देखो, ये मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन ये काम किया करते हैं कि सबको मैंडेट दे देते हैं कि एक विधायक को हम 1 या 2 टिकट देंगे, लेकिन आपको उनसे 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। इस प्रकार की बोली लगती है कि एक व्यक्ति पहले 50 लाख लेकर आ गया, दूसरा 70 लाख लेकर पहुंच गया, तो 50 लाख को कहते हैं आपको नहीं मिलेगी, 1 करोड़ लाना पड़ेगा, वो 70 देकर चला गया। ऐसे बहुत इंसिडेंट हैं। तो इन्होंने जो राजनीति को दलदल बना दिया है, कीचड़ बना दिया है, उस कीचड़ के अंदर निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों को कमल खिलाना चाहिए।